गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह किसी 6 बजे की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूँ। आज के समाचार पत्रों में ये खबर छाई है कि बीओ मेंस 2019 में पीसीएस स्तर का था पेपर। बता रहे दोस्तों, निबंध के सवालों में परखी गई अभ्यर्थियों की समझ, हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवाल भी रहे अस्थरी। तो दोस्तों बात करते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी बीओ मुख्य परीक्षा 2019 का पीसीएस परीक्षा का स्तर रहा और निबंध के सवालों के जरिए अभ्यर्थियों की समझ को परखा गया, तो हिंदी और सामान्य अध्ययन के सवाल भी स्तरीय रहे। सामान्य अध्ययन के पेपर में करीब सभी विषयों में सवाल पूछे गए, वहीं हिंदी के पेपर के जरिए अभ्यर्थियों की अनुवाद क्षमता का परीक्षण किया गया। बता रहे दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थी शब्दावली तैयार करके गए थे, लेकिन हिंदी के पेपर में हिंदी से और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए आ गया। अभ्यर्थियों को दोनों में एक एक लाइन और 5-5 वाक्यों के अनुवाद करने थे। हालांकि मुहावरे और लोकोक्तियां से जुड़े सवाल अभ्यर्थियों को आसान लगे। अभ्यर्थियों को इनका अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्हें वाक्यों में प्रयोग करना था, लेकिन कुल मिलाकर हिंदी का पर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को जो समय मिला वह कम लगा। अभ्यर्थी विनोद सिंह और विवेकानंद सिंह ने बताया कि हिंदी के सवालों का जवाब देने के लिए जो शब्द सीमा निर्धारित की गई थी वह इतनी अधिक थी कि सवालों को जवाब देने के लिए समय सीमा कम पड़ गई। अभ्यर्थियों के मुताबिक बीओ मेंस का पेपर पीसीएस परीक्षा के स्तर का था। तो दोस्तों ये था आज के समाचार पत्रों में। आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई कि चयनितों की नियुक्ति के लिए आवेदन कल से। बता दें दोस्तों, शिक्षा निदेशालय को लेक सेवा आयोग से मिली 298 चयनित प्रवक्ताओं की सूची। बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC में राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद के लिए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों को वेबसाइट https://sectedu.onlineposting.up.up.gov.in पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा, जिसमें जनपदवार, विद्यालयवार, विषयवार रिक्तियां उपलब्ध रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि अगर पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं तो केवल एक लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं यूपीपीएससी की ओर से। अब तक प्रवक्ता पद पर चयनित 298 अभ्यर्थियों की सूची माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी है। इन्हीं चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। आयोग से चयनित सूची के अनुसार दिव्यांग की श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों को दिव्यांगता की प्रथम वरीयता दी जाएगी। वे क्रम संख्या 14 में दिए गए वरीयता क्रम में अन्य विकल्पों का चयन नहीं कर सकते हैं। क्रम संख्या 14 में दिए गए 4 विकल्पों के अनुसार चयनित विवाहित महिला जिनका बच्चा आर्टिस्टिक है अथवा 40% दिव्यांगता है, उन्हें मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदंत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। चयनित अभ्यर्थी जिनके पति पत्नी भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना अथवा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदंत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। तो दोस्तों ये रहा आज का समाचार। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक मिले। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।